मृतक के परिवार का ज्यादा वो नहीं अब है, अब ये किसान संगठन का मैटर है इसमें। और जो लोग गए थे, जिन लोगों ने कल बताया था कि इसको गोली हमारे सामने मारी है, वे लोग भी मौजूद हैं और गोली उसमें आई नहीं, तो इसका मतलब मेडिकल में गड़बड़ हुई। सर अगर दोबारा नहीं आती है, अगर दोबारा नहीं आती गोली, भाई दोबारा नहीं आती तो आगे फिर देखेंगे। सात दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, मालूम करने के लिए परिवार वाले कह रहे हैं, वहाँ पे नहीं, अगर आज भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, तो जहाँ परिवार वाले लोग चाहेंगे वहाँ होगा। सात दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, हम जब यहाँ पे भोग रसम पकड़ी होती है उस पर हम निर्णय लेंगे अगले आंदोलन की। उस तक हमने सरकार को, अधिकारियों को 7 दिन का 8 दिन का जब भी वो होगा, वो 5 दिन में हो 10 दिन में हो, हमने कहा कि जब रसम पकड़ी भोग होगा उस टाइम पर हम अगला निर्णय की घोषणा करेंगे। जब तक पत्रकार की मौत का नहीं, वो पत्रकार नहीं, वो किसान था, पत्रकारिता एक वो व्यवसाय करता था, उसकी आंदोलन में डेथ हुई है और कुचल कर डेथ उसकी हुई है, उसके लिए भी हमने 5 किसानों को मानना है इनको। उसकी एक बॉडी नहीं आई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान नहीं था, प्रेस का काम करता था, पत्रकार था, वो किसान था, उसको भी 45 लाख रुपए मुआवजे की हमने डिमांड करी है सरकार से। ये लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है, गिरफ्तारी तो जो इसमें उसका लड़का बताएगा, मेरे गैंग में कौन कौन है। सर सर होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का बेटा बताएगा कि उसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल है। ठीक है, साहब कह रहे हैं मंत्री कि अगर मेरा कोई वीडियो आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा तो वो देगा, वीडियो वो आगरे की जेल में भी जाएगा, इस्तीफा देगा आगरे की जेल में भी जाएगा। वो नेपाल में कैसे व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गाँव के लोग, के पहले लकड़ी चोर माफिया रहा ये, खैर की और चंदन की चोरी करता था नेपाल में, यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया, और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था, खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था, यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था, डीएपी बेचता था, और अवैध धंधों में वो था, ये यहाँ के लोगों ने बताया। तो सर अभी इससे यहाँ क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? गिरफ्तारी होनी चाहिए मंत्रिमंडल से बाहर, सारे मंत्रिमंडल से बाहर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी, अगला निर्णय इसीलिए लिया जाएगा। 7 दिन का सरकार को टाइम उसके चल कि आप जैसा फैसला कर देंगे। हमारे यहाँ पे अकेले का कोई फैसला नहीं होता, सब मिलकर फैसला करते हैं। ठीक है साहब, उसके चल संपत्ति की जांच होगी। सरकार की कमियां रही, जिस तरीके से आपको यहाँ आना पड़ा, इस गुमराह किया गया पीएम रिपोर्ट में जिन लोगों के द्वारा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अभी दूसरी रिपोर्ट आ जाए क्या उसमें है अभी, क्योंकि अभी ये बता जो लड़का था उसके, और वीडियो हमको और चाहिएगी क्योंकि नेट बंद है, वीडियो सामने बहुत आएगी, अभी अलग अलग तरह की वीडियो आएंगी। सर अभी आपने बात कही है कि अगर यहीं के लोग, अगर एक मिनट, अगर एक्सपर्ट यहीं के होंगे तो फिर तो वही बात आएगी, वही आरोप लगेगा। आरोप तो हमने दिल्ली में कहा था, सबसे पहला बयान आया था कि दिल्ली एम्स में करवावे, तो बहुत लोगों की सलाह बनी कि एम्स उन्हीं के उसमें आता है, चंडीगढ़ ये नहीं भेजना चाहते दूसरे उसमें, तो एक विवाद तो बनेगा। तो फिर डॉक्टर जो पीजीआई उसके जो डॉक्टर है एक्सपर्ट डॉक्टर वे आए हैं सारे, मंत्री के बाद मेरा बयान देगा ही भाई, जब यहाँ 302 का मुलजिम है तो मुलजिम तो भाई मुलजिम तो सजा के वन तक जाता हो, या कोई ये कहे कि मैंने कत्ल करा, कोर्ट में एविडेंस होने के बावजूद भी कोर्ट के सामने कोर्ट को गुमराह करता रहे, जी मुझे झूठा बताया, अभी तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हूँ, बयान दे जगह जगह अपना बयान दे मंत्री बाहर, अभी तो स्पष्टीकरण दे दो भाई, एक आध दिन का तो उसे भी मौका था अपनी बात कहने का, और तो कोई नहीं, सरकार तो नहीं दे रही उसके पक्ष में, कोई अधिकारी दे रही। सबसे पहले उसने अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, वे अधिकारी मौजूद थे लेकिन वे बताएंगे नहीं। मामला ये भी है कि बता रहे हैं कि अगर जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं वहाँ पर पोस्टमार्टम हो तो उसकी जो है सत्यता सामने आ जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? अरे वाह, ये नहीं भेजिए। पता नहीं है तो सरकार का काम है जांच करवाने का, लेकिन खैर चोर था, चंदन की लकड़ी चोराई, चंदन आ रहे थे अपने आप काटता था, डीजल डीजल का व्यापार करा, 3 पेट्रोल पंप बताए गए उसके, अवैध डीजल का व्यापार करता है खाद, और वो बेचता ही है गांव से, जानकारी लेना। भाई पता नहीं, हम नहीं कहते, हम तो दिग्गज शकल से जानते नहीं, हम तो कभी मिले नहीं। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।